से जुड़ी हुई, वो आपको बता देते हैं। चंपई सोरेन झारखंड के नए सीएम होंगे, उनके नाम पर मोहर लग गई है। चंपई सोरेन विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। यही चर्चा लगातार हो रही थी कि हेमंत सोरेन की पत्नी या फिर चंपई सोरेन हो सकते हैं नए मुख्यमंत्री, और अब जानकारी ये मिल रही है कि चंपई सोरेन को चुन लिया गया है विधायक दल के नेता के तौर पर। हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। बस बुला ली गई थी और उसमें सवार हो गए हैं विधायक, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन देखिए जानकारी इस वक्त, ये बड़ी जानकारी रांची से कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री होंगे और उनके नाम पर विधायक दल की तरफ से भी मोहर लग गई है। हमारे साथ रुपेश भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ रजनीश भी जुड़ गए हैं। रुपेश, ये कयास लगाए जा रहे थे लगातार कि कौन होगा जिसके नाम पर मोहर लगेगी, आखिरकार चंपई सोरेन को चुना गया है? रुपेश, आपको आवाज मिल रही है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। रुपेश, सवाल दोहराएं। रुपेश, चंपई सोरेन के नाम पर आखिरकार क्या विधायक दल ने मोहर लगा दी है, क्योंकि उनके और हेमंत सोरेन की पत्नी के नाम पर चर्चा हो रही थी, आखिरकार चंपई सोरेन को चुना गया है विधायक दल के नेता के तौर पर? देखिए, चंपई सोरेन ही ऐसे नेता हैं जिनके नाम पर तमाम जो विधायक हैं वो एकमत हो सकते थे, क्योंकि कल्पना सोरेन के नाम को लेकर के परिवार के अंदर और चार विधायक जो अभी भी उनका समर्थन हासिल नहीं है वो नाराज थे। कांग्रेस से कुछ विधायकों का समर्थन भी हासिल नहीं था, लिहाजा चंपई सोरेन जो शिबू सोरेन के वक्त से और लगातार विधायक हैं, मंत्री हैं, कोल्हान के बड़े नेता हैं, उनके नाम पर सहमति बनी है और आखिरकार विधानमंडल दल की बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। उनके नेतृत्व में तमाम जो विधायक हैं, 42 विधायकों का समर्थन हासिल है, वो राजभवन पहुंचे हैं और वार्ता यहां तक चल रही है और जो तैयारी है कि कल 11 बजे दिन में शपथ ग्रहण समारोह का समय भी मांगा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर हेमंत सोरेन अपने आवास में मेरे पीछे बैठे हुए हैं और खबर ये आ रही है कि गिरफ्तारी हो चुकी है, ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है, ईडी सोर्सेज से अगर हम इस वक्त कहें तो झारखंड के बड़ी जानकारी जो रूपेश हमें दे रहे हैं, हालांकि गिरफ्तार कर चुकी है। रुपेश, बता दे अपने दर्शकों को, जो रुपेश बता रहे हैं वो बड़ी जानकारी है कि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, आधिकारिक रूप से अभी नहीं बताया गया है, लेकिन जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, अपने आवास पर ही मौजूद है। हालांकि इस वक्त आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं है अभी तक, लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि गिरफ्तारी भी हो गई है। दूसरी तरफ राजभवन में पूरा जो घटनाक्रम है वो चल रहा है। हमारे साथ रजनीश भी बने हुए हैं। रजनीश, राजभवन के रवाना हो गए हैं विधायक, चंपई सोरेन के नाम पर मोहर लग गई है, क्या कुछ हो रहा है? देखिए, राजभवन पहुंच गए हैं, 3 बसों में 42 विधायक जो हैं महागठबंधन के, वो अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं, मुलाकात होगी। और बड़ी बात यह है कि सरकार बनाने में कोई तकनीकी दिक्कत ना हो, इसके लिए तमाम विधायकों को, समर्थक विधायकों को यहाँ पर लाया गया है ताकि राज्यपाल के सामने उनकी परेड कराई जा सके, हेड काउंट किया जा सके, राज्यपाल संतुष्ट हो जाएं और नई सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो सके। अगर सिर्फ समर्थन की चिट्ठी ही देनी होती तो राजभवन को 4-5 विधायक आते और सरकार बनाने का दावा पेश करते, लेकिन यहाँ पर हेमंत सोरेन को लग रहा था कि कोई भी टेक्निकल ग्लिच जी रजनीश, यानी किसी भी तरह की कोई तकनीकी ग्लिच ना आ जाए, इसलिए हेड काउंट भी हो जाए, सभी विधायकों को लेकर वहां पहुंचे हैं ताकि कोई भी अड़चन इस में सामने ना आए। और जैसा कि रुपेश भी जानकारी दे रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है कि कल ही हो जाए शपथ ग्रहण भी, लेकिन नजर हमारी बनी हुई है रांची पर, वहां से हर बड़ी खबर आपको बताएंगे। फिलहाल रुक करते हैं एक बार फिर